मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल में बहुत सी सॉसेस की रेसिपीज हैं और सबने बहुत ही ज़्यादा पसंद करी हैं। मेरी टमाटो केचप की रेसिपी में किसी ने मुझे कमेंट करके बहुत देर से कहा हुआ है कि मैं उनको मैगी की हॉट एंड स्वीट केचप बनाकर बताऊँ, तो आज मैं वही आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है, इसे मैगी सभी पसंद करते हैं और मैगी की जो ये केचप होती है ये सच में बहुत ही लाजवाब होती है। इसको किसी भी स्नैक के साथ खाया जाता है, जब भी आप जैसे भी खाएं, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए फटाफट, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी हॉट एंड स्वीट टमाटो केचप, बिल्कुल मैगी वाली। तो इसके लिए मैंने 7 से 8 टमाटर लिए, मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें और टमाटर जो है खूब लाल होने चाहिए। अच्छे से हमने इसको धो लिया है, इसमें अब हम इस तरह से कट डाल देंगे। हमने 3 कट डालने हैं कुछ इस तरह से। बहुत ही आसान है ये सॉस बनानी। आपको किसी भी सॉस की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वो वीडियो मैं आपके लिए जो है ज़रूर लेकर आऊँगी। खाली सॉसेज की नहीं, कोई भी रेसिपी आपको पसंद हो, आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मैं डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी आपके लिए बनाने की। तो लीजिए, सारे टमाटर हमने काट कर तैयार कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की। तो एक कढ़ाई मैंने ली है और पानी को बॉयल करने के लिए मैंने इसमें रख दिया है। पानी तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट में आने वाला है, इसमें हम डाल देंगे अपने टमाटर। सारे टमाटर डाल देंगे और गैस का फ्लेम जो है तेज़ी रखेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे अपनी लाल सूखी मिर्ची, कश्मीर लाल मिर्ची जो है कई तरह की आती हैं, हमने जो कश्मीरी मिर्च होती है लाल वाली वो लेंगे, इस तरह की कुछ कलर की होती हैं वो, रेड कलर में ये डाल देंगे। 8 से 10 जो है हम इसमें मिर्ची डाल देंगे, इसको ढक देंगे और इसको 5 मिनट जो है बॉयल होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसे बॉयल होते, हम इसको अब चेक कर लेंगे। ये अच्छे से बॉयल हो गए और टमाटर भी हमारे जो है थोड़े सॉफ्ट होने लगे। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से, इसका छिलका जो है इस तरह से आराम से उतर जाएगा, ये देखिए। तो ये इसको अब हम निकाल लेंगे किसी भी स्ट्रेनर में, स्ट्रेन कर। हमारे टमाटर और ये जो लाल मिर्चें हैं सूखी मिर्चें, ये दोनों की दोनों सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसकी भी हरी मिर्च, ये लाल मिर्च जो है इसकी भी डंडी इस तरह से निकाल देंगे। सारी मिर्चों की डंडियाँ निकाल कर रेडी कर लेंगे। इस डंडियाँ तो हमने सारी मिर्चों की निकाल ली है, अब ये जो टमाटर हैं इसके भी छिलके इस तरह से निकाल देंगे, आराम से निकल जाते हैं। सारे टमाटर के छिलके हमने अच्छे से निकाल लिए हैं और ये जो मिर्चें हैं इसको भी हमने जो है इसके डंडी निकाल दी है। इसको अब हम सारे टमाटर को और सब मिर्चों को मिक्सी के जार में शिफ्ट कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद अच्छे से पीसेंगे। ध्यान रहे इसको ठंडा होने के बाद ही पीसें, नहीं तो मिक्सी के बाहर ये सारा जो है निकल कर आ जाएगा और आपको लकड़ी डाल देते हैं इसमें सारे, और इसकी अच्छे से जो है पेस्ट चेक कर रहे थे हमने, इसको अच्छे से पीस दिया। ये देखिए बहुत बढ़िया सी इसकी प्योरी बनकर रेडी हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है इसमें। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी एक बोल ले लेंगे और इसके साथ लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे एक स्ट्रेनर। अब ये जो हमने प्योरी बनाई है वो इसमें डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे इस तरह। बाकी की भी डाल देते हैं, तो सारे हमने इसी तरह से छान लेनी है। ये जो हम आज सॉस बना रहे हैं मैगी की, ये बिल्कुल सेम उसी तरह की सॉस बनेगी जैसे कि आप बाज़ार से खरीद कर खाते हैं इतनी महंगी महंगी, तो ये हम घर पे ही आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम टू सेम सॉस है, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं लगेगा, इतनी टेस्टी ये सॉस बनेगी। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ये हमने इसको अच्छे से छान लिया है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं साइड पे सारी लगी हुई है और इसके कैप पे भी लगी हुई है इस तरह से लिड पे। इसको बंद कर देंगे और इसको इस तरह से घुमा लेंगे ताकि सारा पानी जो है वो पानी और वो जो सॉस लगी हुई है सब मिक्स हो जाए, ये हम इसमें डालेंगे इस तरह से क्या होता है जितनी भी हमारी मिक्सी के जार में लगी होती है वो भी यूज़ हो जाती है, वेस्ट नहीं होती है। अच्छे से इसको छान लेंगे और ये जो वेस्ट बचा है इसको अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो इसको फेंक दें। अब हम लेंगे कढ़ाई और ये अपना जितना भी प्योरी है ये इसमें डाल देंगे। गैस अभी हमारी बंद रहेगी, अभी हमने गैस को खोला नहीं है, हम इसमें अभी अपने स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 चम्मच। इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च, ये MDH की लाल देगी मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच। इसके अंदर डाल देंगे जिंजर पाउडर 1 चम्मच भरकर, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल बाजार जैसा, जैसे आप बाजार में मैगी की सॉस खाते हैं उसी तरह का फ्लेवर इसमें है। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे
गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर भी बाजार में आसानी से मिल जाता है। एक चम्मच भरकर इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसकी बॉटल जो है आराम से बाजार में मिल जाती है, एक चम्मच भरकर डालेंगे इसमें। ये बॉटल है, इस तरह से बॉटल में मिलता है। तो मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये इसको और चिली तो हो गया, अब चिली है स्वीट है तो इसमें थोड़ी स्वीटनेस डालनी बनती है, तो इसमें अब हम डालेंगे चीनी। तो ये छोटे चम्मच की हमने जो है मेजरमेंट ली है, तो छोटे चम्मच जो है हम इसमें पाँच से छः चम्मच हम इसमें चीनी की डाल देंगे। तो लीजिए 6 चम्मच हमने चीनी की डाल दी है। अब हम गैस से नीचे गैस को कर लेंगे ऑन। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आ जाएंगे। इसके साथ ही हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। ये हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का लेंगे और इसको पानी में मिक्स कर देंगे। ये मैंने 1 चम्मच लिया, आधा चम्मच में और ले लूँगी, यानी कि 1.5 चम्मच, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, नॉर्मल वाटर डालेंगे, गर्म पानी नहीं डालेंगे, नॉर्मल जो आरओ का पानी होता है वो डाल लेंगे इसमें और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई भी लम्स नहीं देना चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसमें बॉयल आने वाला है, इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कप हम इसमें पानी का डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसा टमाटो केचप का कलर होता है, मैगी की टमाटो केचप का। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक का और डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से इसमें बॉयल आने देते हैं, अब देख सकते हैं अच्छे से इसमें बॉयल आ गया, थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, 2-3 बॉयल इसमें। और ये जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है मिक्स किया पानी में, इसको एक बार हिला लेंगे। तो बॉयल इसमें आ चुका है, इसको हिलाने के बाद ही जो है इसमें डालेंगे, गैस को हल्का कर लेंगे बिल्कुल, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो है हम इसमें डालेंगे, सारा एकदम से नहीं डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे। क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करा है करना है, आप देख सकते हैं ये थिक होने लगा, थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देते हैं और हल्का सा इसमें और डाल देंगे, यानी कि 2 चम्मच इसमें और डाल देंगे, यानी छोटे चम्मच की मेजरमेंट लिए जिससे हम खाना खाते हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें 1-2 बॉयल आने देते हैं, थोड़ा सा और थिक हो जाएगा ये, और मुझे लगता है इसमें और नहीं डालना चाहिए। तो हमने कुल मिलाकर इसमें तकरीबन 1 चम्मच छोटा वाला हमने कॉर्नफ्लावर का इसमें डाल दिया। तो ये काफ़ी थिक हो चुकी है, जब आप बनाएं तो कंसिस्टेंसी देख लें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसे कि टमाटो केचप की कंसिस्टेंसी होती है। इसमें अब हम डालेंगे विनेगर, विनेगर प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा, यानी कि इसको ख़राब नहीं होने देगा और खट्टापन भी इसमें लेकर आएगा। कई लोग पूछते हैं कि नींबू डाल लें, तो नींबू इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि नींबू जो है वो काम नहीं करेगा जो विनेगर का काम है, तो इसमें विनेगर ही डालें। तो विनेगर डाल लेते हैं इसमें, हमने इसमें जो है 4 बड़े चम्मच विनेगर के डाल दिए, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 1-2 इसमें बॉयल आने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ गए हैं, हमारी जो ये मैगी की चिली एंड स्वीट सॉस है बनकर तैयार हो चुकी है। ये कलर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप डार्क कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे इसी तरह से बहुत ही बढ़िया लगती है ये। तो गैस को स्टेज पे कर देंगे बंद और इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर या किसी भी बॉटल में डालकर, कांच की बॉटल में डालकर, इसको ठंडा होने के बाद भरकर अपने फ्रिज में, तो ये लंबे समय तक बिल्कुल ठीक रहेगी, महीनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी डालकर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया हमारी हॉट एंड स्वीट मैगी वाली सॉस बनकर तैयार हो गई है, ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी होगी, बहुत ही बढ़िया बनी है, वही फ्लेवर है, वही जो है बाजार जैसा मैगी का सॉस होती है उसका टेस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है ये, बिल्कुल जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा वाकई में आप जैसे बाजार से लाकर खा रहे हैं, इतनी टेस्टी बनी है ये। इसमें डालेंगे हम मिक्सी के जार में अपने 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी 1 चम्मच भरकर, 1 चम्मच भरकर देगी मिर्च, लाल देगी मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने इसको डालना है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चीनी, जिंजर पाउडर 1 चम्मच भरकर, इसको सौंठ का पाउडर भी कहते हैं, 1 चम्मच आमचूर पाउडर,
एक चम्मच अनियन पाउडर, एक चम्मच गार्लिक पाउडर, इस तरह से छोटा चम्मच भरकर डालेंगे, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच टमाटर पाउडर। अगर आपके पास टमाटर पाउडर नहीं है तो आप कोई भी टमाटो सूप का पाउडर जो है निकाल कर डाल सकते हैं इसमें। गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर 1.5 स्पून। तो ये सब मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको एक बार मिक्सी को बंद कर इसको पीस लेंगे। हमने इसको पीस दिया, चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से पीस गया। इसमें आधा चम्मच तेगी मिर्च और डालेंगे, बाद में डालेंगे पीसने के बाद, और इसको हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च के साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, इसको भी मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ताकि सब मसालों के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको शिफ्ट कर लेंगे। मैगी मसाला है ये, आप किस कभी भी मैगी बनाए यूज़ कर सकते हैं। तो मैगी मसाले का क्या होता है कि मसाला किसी टाइम ख़त्म हो जाता है, बच्चे उदास हो जाते हैं कि मैगी का मसाला ख़त्म हो गया, कैसे आप खाएं इसको। तो कोई अब ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है, इसे बना कर रख लें और जब आपका मन करे आप इससे मैगी बना सकते हैं। लंबे समय तक ये मसाले बिल्कुल ठीक रहते हैं। एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप इसको फ्रिज में भी रखें तो और लंबे समय तक ये बिल्कुल चलेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इसे आप। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।